वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। उसे हत्याने में अधीरा। जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। फैंस के बीच सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ के दूसरे पार्ट को देखने का उत्साह बरकरार है। फिल्म में यश के किरदार रॉकी को दर्शकों के द्वारा खूब पसंद किया गया था और इस फिल्म में उनका एक डायलॉग सबसे बड़ा योद्धा माँ होती आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। हाल ही में यश ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म केजीएफ 2 के बारे में कई खुलासे किए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि केजीएफ 2 इस साल रिलीज होने वाली बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फैंस सीरीज के अगले चैप्टर के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यश ने फिल्म केजीएफ 2 के बारे में बात करते हुए कहा कि ये पहले से ज्यादा धमाकेदार होगी। उन्होंने बताया कि केजीएफ 2 बड़े पैमाने पर रिलीज होने जा रही है। यदि आपने केजीएफ 1 देखा है तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि ये किस तरह की फिल्म है। फिल्म को देखने में केजीएफ 1 से 5 गुना ज्यादा मजा आने वाला। अगर फिल्म केजीएफ की कहानी की बात करें तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो मुंबई की सड़कों पर पला बढ़ा है और कोलार की सोने की खानों तक अपना सफर तय करता है। रॉकी की माँ उससे कहती है कि तू कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा तू। मूवीज में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है और ये फिल्म के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ता है। जैसे इस फिल्म में माँ बेटे के रिश्ते वाले सीन्स में आप केवल बैकग्राउंड थीम पर से ही इमोशनल हो जाते हैं। कई जगह भुवन की सिनेमेटोग्राफी देखते ही बनती है। माइनिंग वाले और 50 से 80 के दशक वाले सेट्स भी विशालकाय और अच्छे हैं। केजीएफ 1 में ज्यादातर वन लाइनर डायलॉग यूज किए गए हैं, जैसे सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरने के लिए नहीं रखा जाता, हाथ में मछली लेकर मगरमच्छ को खिलाने जा रहे हो लेकिन मगरमच्छ को मछली नहीं हाथ पसंद है। इतिहास जल्दबाजी में नहीं रचा जा सकता लेकिन आप प्लानिंग करके ब्लूप्रिंट बनाकर भी इतिहास नहीं बना सकते। इसी प्रकार के संवाद आपको केजीएफ 2 में भी देखने को मिलेगा। मूवी में आनंद बख्शी के गीत का एक नया वर्जन डाला गया है, गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बंजारा। इसी तरह का गाना इस बार भी डाला जा रहा है। अगर फिल्म को गौर से देखें तो फिल्म में माँ वाला इमोशन भी है, रोमांस वाला भी, गरीबी वाला भी और मजबूरी वाला भी, लेकिन इस बार केजीएफ चैप्टर 2 में एक्शन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, खास करके क्लाइमेक्स सीन में जहां पर संजय दत्त यानी कि अधीरा और रॉकी के बीच लड़ाई होती है। केजीएफ 2 में जो यश किरदार निभा रहे हैं वो एक गैंगस्टर के रियल जीवन से प्रभावित है। गैंगस्टर राउडी थंगम के जीवन से लिया गया है जिसका 1997 में पुलिस ने इंकाउंटर कर दिया था, लेकिन केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपने एक इंटरव्यू में इसे इंकार कर दिया था। परंतु केजीएफ के पोस्टर में दावा किया गया था कि केजीएफ एक सच्ची कहानी पर आधारित है। उस समय की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार थंगम को कुख्यात चंदन तस्कर के बाद दूसरे स्थान पर माना जाता और उसे वीरप्पन जूनियर करार दिया गया। थंगम को स्थानीय लोगों का समर्थन मिलता था क्योंकि वो वीरप्पन की तरह एक रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता। जब थंगम की मृत्यु हुई तो वो केवल 25 वर्ष का था। केजीएफ के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फील्ड्स में अपना एक छत्र राज कायम करने वाले गरुड़ा की कहानी दिखाई गई। गरुड़ा सोने के इस खान का मालिक था और यहाँ काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। रॉकी यानी कि राजा कृष्णप्पा बैर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज न मिल पाने के कारण मर गई थी, लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से वचन लिया था कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा। और जल्द ही रॉकी भाई नाम का एक डॉन बन गया। उसका बड़ा होता नाम देख कोलार खान को हथियाने के लालची लोग उसे गरुड़ा को मारने के लिए सुपारी देते हैं। पहली बारी में फेल होने के बाद रॉकी गरुड़ा को उसके गढ़ में यानी खान में ही मारने का प्लान बनाता और मार भी देता। पहली फिल्म यही खत्म हो गई। अधीरा गरुड़ा का चाचा है। सोने की खान के मालिक सूर्यवर्धन ने अधीरा को नजरअंदाज कर अपनी बीमारी के बाद खान को संभालने की जिम्मेदारी गरुड़ा को सौंप देता है। इस बात से अधीरा नाराज था। फिल्म के पहले हिस्से में अधीरा का कई जगह जिक्र आता है, जिसमें उसे बहुत ताकतवर और क्रूर बताया जाता है। रॉकी के हाथों गरुड़ा की हत्या के बाद अब अधीरा की नजर भी खान पर है। दूसरी ओर रॉकी भी उस खान पर अपना कब्जा चाहता है। इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी। मतलब वो अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है। सारी टसल उस खान को लेकर है, इसलिए KGF 2 में रॉकी और अधीरा आमने सामने होंगे। साथ में कई और खिलाड़ी होंगे जो कोलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहते हैं। पहली फिल्म में सिर्फ गरुड़ा को मारने की कहानी दिखाई गई थी। इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहाँ पहुंचती है, ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मेन लड़ाई अधीरा और रॉकी के बीच है। KGF 2 में रीना के कैरेक्टर पर भी फोकस किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होगी?